back in you. God be safe. मेरी देवरानी ने जो है उनका गोश्त ले आई। ये देख सकते हैं 15,600 रुपया इसका बिल आया है अभी ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक है। जो मेरे बहन भाई दुख और तकलीफ में है, अल्लाह ताला उनकी दुख और तकलीफ को जो है दूर करे, अपने घरों में हंसता मुस्कराता रखे, जो बाहर हैं उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज ना बहुत ही ऐसा समझ लें एक हादसा बन गया है। मेरी नंद की बकरी जो थी उसका एक बच्चा जो है मर गया, और बकरियां छेड़ने के लिए बाहर ले गए ना, जहरीला घास खाया, उसका एक बच्चा मर गया। बाहर ही उसको काट कर रखा है, उसको हाथ रख दिया है, उसको बाहर बना रहे हैं, बाकी उसका एक बच्चा बच्चा उस बकरी का एक बच्चा बाकी बच्चा है। तो जो है मैं इसलिए चेक कर रही थी बकरियों को, हमारे बकरी जो है कहीं जहरीला घास तो नहीं खा लिया, इसलिए मैं दोनों को देख रही थी। तो आज ना मुजम्मिल को बहुत ही ज़्यादा बुखार है, बुखार जो है को इसलिए है, इसको उस्ताद ने जो है स्कूल में बहुत ही डंडे मारे, इसलिए इसको बुखार आ गया है। एक दिन इसने छुट्टी की तो इसको डंडे पड़े, इसलिए बुखार आ गया है। आज कल से ना ये उठ भी नहीं सकता। पानी पिएगा? चल बिस्कुट उठी सीधा, अच्छा इतना सीधा किया पानी भरा ना। बिस्मिल्लाह और दवाइयाँ जो है उन्होंने दी है, टीका जो है डॉक्टर ने नहीं लगाया, दो बार लेके गए हैं, उन्होंने कहा टीका इसको नहीं लगाएंगे, ये दवाइयाँ जो है पिलाते रहो। अभी जो है बिस्मिल्लाह करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? तो व्यूअर्स गर्मियाँ थी, ये कूलर ले आया था, अभी जो है ना कूलर गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं, इसका बिल भी बहुत आ रहा है। दोनों घरों का, इस घर का भी बिल आ गया, उस घर का भी बिल आ गया। आप कुछ ज़्यादा गिर गए ना बिल? बहुत ज़्यादा है, सोच रहे हैं कहाँ से लोग आना, ढेर बिल आने, ज़्यादा बिल आ गए। हाँ जी, ਬਿੱਲ ਕੂਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਚੱਖਦੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਆਵੇ ਵੇ ਕੂਲਰ ਹੋਏ, ਗਰਮੀ ਅੱਜ ਕੂਲਰ ਗੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੂਲਰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ 15,600 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਜੀ ਆ ਟੈਕਸ 1800 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦਾ ਬਿੱਲ 22,000 ਆਇਆ ਪਿਆ ਓਏ ਪੀ ਓਏ ਚਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾ ਬੜੀ ਖਾ ਲਉ ਨਾ तकरीबन नए घर और पुराने घर का तकरीबन मिलाकर बनाए तो 40,000 बिल बनता है। एक मेरे घर का अकेले का, नए घर का और पुराने घर का,
इधर जो है एक कूलर वाला पंखा है और एक छत वाला पंखा है। वहाँ जो है हमने एक दीवार पूरी मुकम्मल की है, ज़्यादा काम भी नहीं किया, जा सीढ़ी का काम करवाया है, तो वहाँ का बिल जो है 22,500 आया है। क्या करें, गरीब कहाँ जाए, आप कुछ करें, मैं आपको कहे कहाँ से दूँगी, यहाँ ले आपका बिल भी आपके पास है। मैं ये बिल कहाँ से भरूँगा। चलो ऐसे करते हैं, एक महीने का जो एक घर पुराने घर वाला जो बिल है ना, वो मैं भर लेता हूँ, क्योंकि मैं काम करता, मेरा काम तो थोड़ा होता है, इतने पैसे मेरे पास होते नहीं है, तो क्योंकि मैं जो है ना ताजी मजदूरी करता हूँ, तो आप 500-600 रुपया मजदूरी होती है मेरी, घर का भी खर्चा चलाना पड़ता है, तो उधर का भी चलाना पड़ता है। भरना ही नहीं है इस बार, अगले बार जो है जब इकट्ठे होंगे तो भरेंगे, आप रहने तो रख दो इनको। इसका जो टैक्स आता है फिर वो कौन भरेगा, 1,000-1,500 टैक्स भी आ जाता है। ये देख सकते हैं 15,600 रुपये इसका बिल आया है। कूलर वाले इस बैग हैं, ये मिट्टी से जो है ख़राब हुए पड़े हैं, ये भी धो लेते हैं। कूलर जो है बिल्कुल न्यू हो गया, ख़राब हुआ पड़ा था। मेरी देवरानी ने जो है उनका गोश्त ले आई, अभी जो है उनका गोश्त जो है भाभी लेकर आई है, मेरा हाथ भी जा रहा है। ये चमचा भी उठा कर दो, शाम का खाना जो है हम इकट्ठे बना रहे हैं। गोश्त जो था बिल्कुल साफ था, इनको जो है हमने सिरके से धोकर फिर चढ़ाया, बिल्कुल सेफ है। बहुत ही अफसोस हुआ, देवर मेरे की थोड़ी सी बकरियां थी, सारा दिन उनको चराता है, गरीबों का यही तो आसरा होता है। अभी जो है ना इनको चढ़ा देती हूँ।